प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पुरस्कार मिला। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा गया। अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को ट्वीट कर दी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को गिरफ्तारी के 3 साल बाद पहली बार सोमवार को काउंसलर एक्सेस मिला। पाकिस्तान में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने इस्लामाबाद में कुलभूषण से मुलाकात की। मुलाकात किसी अज्ञात जगह पर हुई। सुरक्षा कारणों की वजह से बैठक कहां पर हुई इस बात की जानकारी नहीं दी गई। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। आज चंद्रयान 2 के मॉड्यूल से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसरो ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। इसरो के मुताबिक आज अपने निर्धारित समय पर दोपहर करीब 1:35 पर लैंडर विक्रम चंद्रयान 2 से अलग हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन ने फरवरी में पाकिस्तान की हिरासत से छूटने के बाद आज पहली बार मिग 21 उड़ाया। एयरफोर्स के चीफ मार्शल बीएस धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन ने आज पठानकोट एयरबेस से मिग 21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इस दौरान अभिनंदन नए लुक और नए जोश में नजर आए। दिल्ली के विजय चौक पर आयरन गेट के पास आज एक बाइक सवार को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब शख्स संसद भवन में चाकू लेकर घुसने की फिराक में था। संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक चाकू लहराता हुआ गेट नंबर 1 से अंदर जाने की कोशिश में था और राम रहीम को लेकर नारे भी लगा रहा था। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच सोमवार को हुए संघर्ष में बीजेपी के 25 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में अपने सांसद अर्जुन सिंह पर रविवार को हुए हमले के विरोध में आज 12 घंटों का बंद बुलाया। इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें बीजेपी के 25 कार्यकर्ता घायल हुए। स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि लॉ स्टूडेंट की तरफ से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि छात्रा की तरफ से शिकायत की जांच की मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो अगले आदेश तक लड़की और उसके परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक बढ़े जुर्माने को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात ने भी नए ट्रैफिक नियमों को ना कह दिया है। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल ने नया नियम लागू करने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अभी गुजरात में नए नियमों से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार अभी इस मसले पर विचार कर रही है। आज देश भर में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा, तो वहीं आज भगवान गणेश के भक्तों ने गणेश मूर्ति स्थापित कर गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के उत्सव का शुभारंभ किया। तीज और गणेश चतुर्थी इस बार एक साथ मनाई जा रही है। आज के दिन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और चतुर्थ तिथि दोनों एक साथ होने की वजह से ये दोनों पर्व साथ साथ मनाए जा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने उनकी सीबीआई कस्टडी एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी। पी चिदम्बरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।